देश में कोरोना वायरस के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। हर रोज मामलों में इजाफे को देखते हुए कोरोना वायरस की दवा पर भी रिसर्च जारी है। इसी बीच बेंगलुरु के एक डॉक्टर ने कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा किया है। उन्होंने सरकार से इजाजत भी मांगी है। बेंगलुरु के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विशाल राव के मुताबिक कुछ दवाओं को मिलाकर नई दवा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि साइटोकाइनेज की मदद से एक मिश्रण बनाया जा सकता है जिसे मरीजों में इंजेक्ट किया जा सकता है, जिससे उनका इम्यून सिस्टम फिर से जिंदा हो जाएगा। अभी ये शुरुआती स्थिति में है। हमने सरकार से इजाजत मांगी है। डॉक्टर विशाल राव ने बताया कि रिव्यू के लिए हमने सरकार के पास भी आवेदन किया है। इंसानी शरीर की कोशिकाओं में वायरस से लड़ने की क्षमता होती है। कोशिकाओं में इंटरफेरोन होते हैं जो वायरस से लड़ने में सहायक होते हैं। हालांकि जब मरीज कोविड-19 से संक्रमित होता है तो उसकी कोशिकाओं में से इंटरफेरोन नहीं निकल पाते, जिससे उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और वायरस का असर बढ़ता चला जाता है। डॉक्टर राव ने आगे बताया कि हमारे शोध में हमने पाया है कि इंटरफेरोन कोरोना वायरस से लड़ने में भी मददगार है। इसके लिए हमें साइटोकाइनेस का एक मिश्रण तैयार किया है जिसे कोरोना के मरीज के इलाज के लिए उसके शरीर में इंजेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये कोई वैक्सीन नहीं है और इससे कोरोना से संक्रमित होने से बचा नहीं जा सकता। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।